कोरोना को लेकर बड़ी खबर है। स्कूल खुलते ही 22 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। स्कूल के 3 टीचर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। संक्रमित बच्चों के परिवार की भी अब जांच की जाएगी। कोरोना की वजह से मुंबई में नहीं खुलेंगे स्कूल, ये फैसला लिया गया है। मुंबई में 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है। बीएमसी ने कहा है कि इस साल अब स्कूल नहीं खुलेंगे। 31 दिसंबर तक स्कूल बंद रखने का आदेश जारी कर दिया गया है कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए। अब सबसे पहला जो ट्रेंड है वो नजर आया दिल्ली में, और उसके बाद अब देश के तमाम शहरों से जो आंकड़े नजर आ रहे हैं वो अपने आप में चौंकाने वाले हैं, और ये साफ संकेत देते हुए दिख रहे हैं कि अब कोरोना को लेकर जो लापरवाहियां की गई हैं उसका अंजाम हमारे सामने है। शिवांगी ठाकुर भी हमारे साथ मौजूद हैं। शिवांगी, जल्दी से आप मुंबई को लेकर जो अपडेट है इस वक्त वो हमारे दर्शकों को दे दीजिए। देखिए समीर, सबसे लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि जो स्कूल खुलने की बात हुई थी और कहा गया था प्रशासन की ओर से कि दिवाली के बाद स्कूल खोले जाएंगे, साफ तौर पर कह दिया गया है कि 31 दिसंबर तक स्कूल नहीं खोले जाएंगे मुंबई और ठाणे में। राज्य के अन्य इलाकों में स्कूल खुलने की तैयारी हो रही है, लेकिन जिस तरह से कोरोना के मामले वहाँ देखे जा रहे, टीचर्स की टेस्टिंग की जा रही है और जो नंबर्स बढ़ रहे हैं उसके बाद लगता है कि शायद ये फैसला भी टाला जाए। और दिल्ली और अहमदाबाद में अब कोरोना के जो मामले बढ़ रहे हैं उसके बाद ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की सरकार कहीं ना कहीं अलर्ट हो गई है। जंबो कोविड सेंटर्स यहाँ पर बहुत सारे बनाए गए थे जो कि हल्के में अब लोग लेने लगे थे, अब लोग वहाँ नहीं जाते थे, अपने घर में होम क्वारंटीन होकर ही ठीक हो जाते थे, या फिर मास्क पहनना लोगों ने छोड़ दिया, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं अब वापस से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है। सारा का सारा ढीकरा प्रशासन पर ही फोड़ना सही नहीं है, ये दोनों तरफा है। जो मुंबईकर हैं उनको भी जागरूक होने की ज़रूरत है। तो कोरोना के रोज बढ़ते हुए रफ्तार के बाद अब केंद्र सरकार अलर्ट मोड पर है और सभी राज्यों को कई तरह के निर्देश केंद्र सरकार की तरफ से जारी कर दिए गए हैं।